क्या मयंक यादव को किसी की नजर लग गई है? क्या मयंक यादव इस आईपीएल के बाकी जो मैचेस है उसमें खेल पाएंगे? क्या मयंक अगर खेल भी पाए तो उनका जो जुझारू पेस है वो देखने को मिलेगा? बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसीलिए है क्योंकि गुजरात टाइटंस के खिलाफ एलएसजी जीत तो गई है, लेकिन क्वेश्चन मार्क है मयंक का फिटनेस को लेके। मयंक ने आरसीबी के खिलाफ उस मैच में उन्होंने 157 किलोमीटर गति से गेंद फेंकी थी, जो कि भारत के इतिहास में सबसे तेज फेंकने वाला गेंद था, और पिछले दोनों मैच में अच्छी परफॉर्मेंस के चलते उनको मैन ऑफ द मैच भी दिया गया था। बात छिट चुकी थी, क्या मयंक यादव आगे जाके शोएब अख्तर का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं? ब्रेटली से लेके डेल स्टेन सब कोई उनका वाहवाही कर रहे थे, लेकिन गुजरात के खिलाफ मयंक का जो परफॉर्मेंस देखने को मिला वो देख के सब हैरान हो गए। अब हैरानी वाली बात क्यों है? गुजरात के खिलाफ एक ही ओवर डाले थे मयंक ने, उन 6 गेंदों में उनका गति था 140, 140.6, 139, 138, 139, 137। पहले ही ओवर में 13 रन खर्चे थे मयंक, और वो ओवर देखने के बाद सब कोई चर्चा करने लगे। मयंक का एवरेज स्पीड है 145 से 148 का आसपास, तो ये गेंदबाज इतनी धीमी गति का गेंद क्यों फेंक रहे हैं? फिर जाके पता चलता है मयंक को साइड स्ट्रेन इंजरी है, और उस इंजरी के चलते उनको ग्राउंड छोड़ना पड़ा। हालांकि मयंक के साथ इंजरी का रिलेशन काफी पुराना है, और इस चीज को बयां करते हैं एलएसजी के बॉलिंग कोच मॉर्नी मॉर्केल। पिछले साल भी मयंक चोटिल थे, उनको मौका दिया गया था, लेकिन इस साल 2 मैच खेलने के बाद फिर से वो इंजर्ड हो गए, और इसीलिए सवाल उठता है जिस मयंक को लेके इतनी चर्चा हो रही थी, क्या वही मयंक अपने पुरानी गति से गेंद डाल पाएंगे? क्या मयंक बाकी आईपीएल के मैचेस में परफॉर्म करके T20 वर्ल्ड कप में अपनी जगह बना पाएंगे? This is extra time. Extra time.